नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ डॉक्टर निशा जैन, पीएससी पार्ट वन जूलॉजी प्रैक्टिकल। हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपके दो एनिमल्स हमें स्टडी करना है, वन इज फ्रॉग एंड अनदर इज चिक। मैं आज आपको फ्रॉग डिस्कस करूंगी। इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपके सिलेबस के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग थ्रू चार्ट, स्लाइड्स एंड मॉडल्स हैं, और दूसरा आपका है स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल ऑफ चिक थ्रू अगेन माउंट, चार्ट, स्लाइड्स एंड मॉडल्स हैं। हम लोग आज स्टडी करेंगे डेवलपमेंटल फ्रॉग। इसके अंदर हमें एग, क्लिवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरोला, टेल बर्ड, मेच्योर टेडपोल लार्वा, मेटामॉर्फिक स्टेजेस ऑफ फ्रॉगलेट, इसके साथ साथ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स ऑफ क्लेवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरोला एंड टेलबर्ड स्टेज को पढ़ना है। हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फ्रॉग हमें स्टडी करना है। आपको फाइल के अंदर इन एक्सपेरिमेंट्स को नोट करना है, इंडेक्स बनाना है, इस प्रकार से आपको इन एक्सपेरिमेंट्स को लिखना है। आपको इन एक्सपेरिमेंट्स को डायग्राम के साथ साथ इसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है। ये फाइल मैंने एक अपलोड करी है आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि आपको किस प्रकार से फाइल को बनाना है और किस प्रकार से डायग्राम्स बनाने हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है फाइल बनाने के लिए, क्लिवेज इन एग, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला डायग्राम्स, न्यूरोला, टेलबर्ड स्टेज। दिस इज न्यूरोला एंड दिस इज टेलबर्ड स्टेज। सो दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइल इन विच यू कैन सी द डायग्राम्स एंड द कंटेंट। नाउ द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी, दिस इज क्लिवेज, जिसको कि हम बोलते हैं विदलन। निषेचित अंड या युग्मजन में समसूत्री विभाजन विधि माइटोसिस से अनेक विभाजन होते हैं। इन विभाजनों में कोशिका का आकार नहीं बढ़ता है, इसे विदलन कहते हैं, तथा विदलन सिर्फ भ्रूण में ही पाया जाता है। विदलन को हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं। विदलन के कारण ही एक कोशिका युग्मक में अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, जो कि भविष्य में विभिन्न अंग तरंगों का निर्माण करती है। मेंढक में पहला विभाजन, फर्स्ट क्लिवेज, निषेचन के 2.5 से 3 घंटे के बाद प्रारंभ होता है, और इसके अंदर पहले 2 सेल बनते हैं जिसको कि हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। देन वी हैव 8 सेल, देन वी हैव 16 सेल, 32 सेल स्टेज। इस प्रकार से डिफरेंट सेल्स बनते हैं, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, और इसको हम क्लिवेज कहते हैं। नेक्स्ट इज मोरूला, राइट? मोरूला जिसको कि हम दिस इज एक्चुअली एग विथ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ब्लास्टुला या कोरक, भ्रूण से कोरक निर्माण को कोरक भवन या ब्लास्टुलेशन कहा जाता है। अष्ट कोशिकीय भ्रूण में विदलन करती कोशिकाओं के परिधि की ओर खिसकने की प्रवृत्ति के कारण एक गुहा बनना प्रारंभ हो जाती है। यह गुहा धीरे धीरे बढ़कर बड़ी हो जाती है। इसे कोरक गुहा या ब्लास्टोसिल कहा जाता है। इसे विदलन गुहा या सेगमेंटेशन कैविटी भी कहते हैं। कोरक इस प्रकार एक खोखला गेंद जैसा भ्रूण है जिसमें एक गुहा पाई जाती है जो एक तरल से भरी होती है। कोरक गुहा ईसेंट्रिक होती है, यानी एक ठीक केंद्र में न होकर कुछ हटी हुई होती है। यह सक्रिय ध्रुव एनिमल पोल की ओर पाई जाती है। इस ब्लास्टुला के अंदर आप क्लियरली देख रहे हैं, सेंटर के अंदर एक ब्लास्टो
सील आपको नजर आ रहा है। इसके बाद जब डेवलपमेंट होता है एग का, तो ये गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होता है और इसे हम कंदुक भी कहते हैं। गैस्ट्रुला परिवर्धन की एक विशिष्ट अवस्था है जिसमें द्विस्तरीय भ्रूण अब थ्री लेयर्ड हो जाते हैं। ब्लास्टुला अवस्था में न्यूरो एक्टोडर्म कोशिकाएं सक्रिय ध्रुव पर, एंडोडर्म कोशिकाएं अल्पक्रिय ध्रुव पर रहती हैं। गैस्ट्रुला में ये कोशिकाएं अपनी सही स्थिति में आती हैं, अर्थात वयस्क या लार्वा आंतरिक भाग बनाने वाली कोशिकाएं गैस्ट्रुला के अंदर आ जाती हैं, वे बाहरी भाग बनाने वाली कोशिकाएं बाहर चली जाती हैं। इसके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आप ये क्लियर देख रहे हैं और सेंटर में जो कैविटी है उसको हम आर्केंट्रॉन बोलते हैं। आपको ये क्लियरली दिख रही है, दिस इज आर्केंट्रॉन, दिस इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, थ्री लेयर्स का इसके अंदर फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट जो आपकी बनती है स्टेज, उसको हम बोलते हैं न्यूरुला। न्यूरुला गैस्ट्रुला अवस्था के उपरांत विदलन समाप्त हो जाते हैं तथा कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है, साथ ही भ्रूण की आकृति में भी परिवर्तन आता है। गैस्ट्रुला के बाद का परिवर्तन गैस्ट्रुला पोस्ट गैस्ट्रुलर डेवलपमेंट कहलाता है। गैस्ट्रुलो के बाद का प्रथम अवस्था जो है न्यूरुला कहलाती है। इस अवस्था में न्यूरल ट्यूब बनती है जिसे भविष्य में मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। इस अवस्था का भ्रूण न्यूरुला कहलाता है तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया न्यूरुला भवन या न्यूरुलेशन कहलाती है। यू कैन सी दैट दिस इज द न्यूरुला एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ न्यूरुला। देन वी हैव टेल बर्ड स्टेज इन योर सिलेबस, ये जिसको कि हम बोलते हैं कलिका पुच्छ अवस्था। यह अवस्था न्यूरुला के बाद की अवस्था है। इस समय भ्रूण पित्तक झिल्ली व जैली में ही रहता है। इस अवस्था के भ्रूण को पोस्टीरियर डोर्सल भाग में एक कलिका उभरती है जो पुच्छ, लार्वा की पुच्छ का निर्माण करेगी। इस अवस्था में भ्रूण को कलिका पुच्छ या टेल बर्ड स्टेज कहते हैं। हालांकि इस अवस्था तक स्फुटन हैचिंग नहीं होती है, फिर भी अनेक बार इसे टेल बर्ड लार्वा भी कह दिया जाता है, जबकि तकनीकी दृष्टि से प्रस्फुटन के उपरांत ही भ्रूण को लार्वा कहा जा सकता है। यह बर्ड प्रोट्रूबरेंस वृद्धि करती है और इसके पृष्ठ में अदर सिरों पर त्वचा व अर्धपंख फिन बन जाते हैं। इसके अंदर गिल प्लेट, एक्सटर्नल गिल बर्ड्स, ओरल सकर्स, म्यूकस ग्लैंड्स, ये सब देखने को पाए जाते हैं। यू कैन सी दिस इज मिड टेल स्टेज, दिस इज लेट टेल बर्ड स्टेज एंड दिस इज टेल फॉर्मेशन, दैट इज कंप्लीट टेल बर्ड स्टेज। दीज आर दी होल माउंट्स ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो। मैंने अभी आपको क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला के सेक्शन दिखाए थे, अब मैं आपको दिखा रही हूँ होल माउंट पूरा। यू कैन सी दैट दिस इज एग। क्लीवेज स्टार्ट हुआ फोर सेल स्टेज, और ज्यादा हुआ तो ये मोरूला बन गया है, दिख रहा है आपको। ब्लास्टुला के अंदर अगर हम होल माउंट को देखेंगे तो ये मोरूला है, दिस इज एंड दिस इज एट सेल स्टेज ब्लास्टुला। गैस्ट्रुलेशन के अंदर ये आर्केंट्रोन है, द ओपनिंग ऑफ द आर्केंट्रोन। गैस्ट्रुलेशन बिगनिंग्स की स्टार्ट हो गई है। गैस्ट्रुलेशन, यू कैन सी दिस गैस्ट्रुलेशन 11 एंड स्टेज 12। दिस इज न्यूरुला, फॉर्मेशन हैज बीन टेकन प्लेस एंड दिस इज न्यूरुला। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जेली के अंदर ही रहता है और न्यूरुला, और टेल बर्ड तक ये जेली के अंदर रहता है और वहां से जब बाहर निकलता है, हैचिंग होती है, तब ये लार्वा कहलाता है, टेडपोल लार्वा या फ्रॉगलेट लार्वा। दिस इज फ्रॉगलेट, दिस हैज कम आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, दिस इज फ्रॉगलेट आफ्टर न्यू टेल बर्ड स्टेज। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉग का डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमने क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला, टेलबर्ड के सेक्शंस को डिस्कस किया और हमने इसके होल माउंट को डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि फाइल में आपको इसको कैसे लिखना है, तो आप ये फाइल में तैयार कर सकते हैं और हम नेक्स्ट टर्न पे डेवलपमेंटल फ्रॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।